हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मोनिका आर्ट्स 27 में। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया है पेंसिल से कुछ अमेजिंग वर्क करने का, उसी टाइप में सेम वर्क हम आज करेंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग होगा। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा एक सर्कल, जैसे हमने कल किया था। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके मिड से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है हमें, उसका सेंटर देख कर। ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन लगा ली है। अब देखिए क्या करना है, इसी सेंटर से लेके, हमारा ये पॉइंटर है, ये सेंटर है, इसी से लेकर हमें एक स्लैंट लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है और एक स्लैंट लाइन इस साइड, ऐसे बीच में थोड़ा गैप रखेंगे दोनों के बीच में। और ये देखिए ऐसे, इतना ड्रॉ करने के बाद हमें करना है इसी के ऊपर फिर से एक हल्की सी स्लैंट लाइन, और इसको बस यहीं तक रखेंगे। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप मिलाते जाएंगे, जैसे मैंने किया यहाँ पे ऐसे। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं कुछ सीनरी सनसेट की, जिसमें एक ब्रिज दिखाया गया है, तो ये वही ब्रिज हम बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे, सेम ऐसे यहाँ भी करना है, इतना लेके आएंगे इस लाइन को और इसे मिलाएंगे ऐसे। इस ब्रिज को बनाना है सबसे पहले। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है इसके अंदर, बहुत इजी वे से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। उसके बाद देखिए, हमें पेपर स्टैंप लेना होगा और इनको थोड़ा मिक्स करना होगा ऐसे। इसे ब्लेंडिंग पेपर भी बोलते हैं और पेपर स्टम्प भी बोलते हैं। तो देखिए, हमने जो ये लाइन्स ड्रॉ की हैं, इनको हम ब्लेंड करेंगे थोड़ा थोड़ा सभी को। ऐसे ही आपको करना है। अगर आपके पास ब्लेंडिंग पेपर नहीं है, स्टम्प पेपर नहीं है, तो आप ये काम कॉटन से भी कर सकते हैं, कॉटन से भी इन्हें मिक्स कर सकते हैं अच्छे से बिल्कुल। या फिर आपके पास ईयरबड्स होते हैं, घर में ये सबके अवेलेबल होते ही हैं, तो आप उनसे भी ये मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी हम मिक्स करेंगे बिल्कुल अच्छे से। और ये जो ड्राइंग है, बनाना बहुत इजी है, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी बनेगी। देखिए यहाँ भी हम पेपर स्टैम्प से ब्लेंडिंग कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ हमें अपना वाटर बनाना है। वाटर बनाएंगे तो फिर उसमें थोड़ी शेडिंग तो करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही इस साइड भी करेंगे हम हल्की हल्की शेडिंग। ये देखिए ऐसे। अब हमने यहाँ पर शेडिंग कर ली है और यहाँ हम अपना ये वाटर का इफेक्ट दिखाने के लिए ये ड्रॉ करेंगे कुछ लाइंस ऐसे, वाटर की तरह ही। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और फिर इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। देखिए ऐसे ही, ये पानी वाला इफेक्ट दिखना चाहिए कि हमने यहाँ पर पानी बनाया हुआ है। इसको भी हमने मिक्स कर दिया, सेम ऐसे ही इस साइड भी मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम ब्रिज के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो स्टेप्स होते हैं हमारे, ऐसे ड्रॉ करेंगे इनको सबको। और फिर इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे। और ये वाला जो पार्ट है, इसको पूरा ब्लैक करेंगे, इस वाले पार्ट को। सेम ऐसे ही आपको करना है। और ये पूरी ड्राइंग हम एक सिंपल नटराज की पेंसिल से बना रहे हैं, कोई अदर शेडिंग की पेंसिल हमने यूज़ नहीं की है। सेम ऐसे ही आप भी नटराज की पेंसिल से ही ड्राइंग बना सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो हमने अभी भी लाइन ड्रॉ की थी ब्रिज की। ये देखिए ऐसे। फिर हमें क्या करना है, एक कंपास लेना है और उससे हम एक सन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मैंने एक कंपास ले लिया है और हम मिड में रखेंगे फिर से और एक सन ड्रॉ कर देंगे। सेम ऐसे आपको करना है। और अब हम इस सन के बाहर भी शेडिंग करेंगे हल्की हल्की, ताकि मिक्स भी हो जाए और ये इफेक्ट भी दिखे इसमें शेडिंग वाला। देखिए ऐसे। इसके अंदर आपको शेडिंग नहीं करनी है, ओनली बाहर बाहर ये इफेक्ट दिखना चाहिए। और जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इसके भी अंदर अंदर हल्की हल्की शेडिंग कर देंगे हम। ये देखिए ऐसे। और कुछ बर्ड्स भी हम ड्रॉ कर देते हैं,
क्योंकि सनसेट का सीन है। ये देखिए ऐसे, इनको भी हल्का हल्का मिक्स करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ये देखिए आज की हमारी वीडियो कंप्लीट। तो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।